नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। पहला प्रश्न है 2 - √5। हम सभी जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो 2 में से अगर हम √5 को घटाएंगे तो वह भी एक अपरिमेय संख्या होगी, इसलिए इसका उत्तर है अपरिमेय। यह इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद में दूसरा है 3 + √23 - √23। तो √23 से √23 कट जाएगा, यानी कि √23 में से √23 कम होगा तो 3 बचेगा, और 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, इसलिए यह है परिमेय संख्या। तीसरा है 2 √7 / √7। √7 से √7 कट जाएगा, बचेगा 2/7, और 2/7 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद में 1/√2, यह अपरिमेय है। उसके बाद में पांचवा 2π, पाई अपरिमेय होता है तो 2π भी अपरिमेय ही होगा। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ये 4 प्रश्न हैं और इनको सरल करना है। दूसरे का पहला प्रश्न है ब्रैकेट में 3 + √3 और अगले ब्रैकेट में है 2 + √2। इसको हमें इस व्यंजक को सरल करना है, तो सबसे पहले 3 + √3 हमें ऐसा ही लिखना है और 2 + √2 लिखेंगे। उसके बाद में इस 3 का गुणा अगले ब्रैकेट के 2 में करेंगे, तो 3 × 2 + 3 × √2 हो जाएगा, फिर प्लस लगेगा, फिर इस √3 का √2 में करेंगे तो 2 आगे आएगा और फिर √3 पीछे आएगा। उसके बाद में √3 का गुणा √2 में होगा तो 3 × √6 हो जाएगा ऐसे, तो यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर भी 3 √2 आएगा, यहाँ पर 2 √3 आएगा और यहाँ पर √6 आएगा। तो इस सवाल का यही आंसर है, पहला वाला इस प्रकार से सोल्व करना है। दूसरे का दूसरा सवाल है 3 + √3 और 3 - √3, तो इसको इस प्रकार से सोल्व करना है। सबसे पहले मुख्य सवाल लिखना है, उसके बाद में इस 3 का गुणा इस 3 में करेंगे तो 3 * 3 = 9 हो जाएगा। इस 3 का गुणा इस √3 में करेंगे, ये 3 प्लस का है, √3 माइनस का है, इसलिए यहाँ आएगा माइनस और 3 √3 इसका गुणनफल हो जाएगा। उसके बाद में प्लस लगेगा, √3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 √3 आएगा और उसके बाद √3 का गुणा √3 में और ये √3 माइनस का है, इसलिए यहाँ पर -3 आ जाएगा। इसके बाद 9 - 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 - √3 ये माइनस वाला और ये प्लस वाला 3 √3 ये दोनों 0 हो जाएंगे, इससे ये कट जाएगा, इसलिए 3 - √3 आएगा और बराबर 9 - 3 होगा 6 और यही इसका